अरे आज तो पिकनिक पर जाना है। हाँ भाई सही कह रहा है, बहुत मजा आएगा। तू क्या लाया पिकनिक के लिए? भाई मैं आज ना बीड़ी का बंडल लेकर आया हूँ। दोनों भाई मिलके इंडिया गेट पे बीड़ी पियेंगे छुप छुप के। स्कूल में तो हम ऐसे भी नहीं पी सकते। तू क्या लाया? मैं तो पैसे लाया हूँ, पूरे 30 रुपए। 30 रुपए? भाई बहुत मजा आएगा। मजा? पागल है क्या? मैडम को देने 30 रुपए पिकनिक के पैसे, चल। अरे भाई तू कैसे लेट आया आज क्लास में? बेटा मैं एटीएम की लाइन में लगा होता ना, थोड़ा कैश निकालने के लिए, इसलिए लेट हो गया। ऐसा कितना कैश निकलवा के लाया भाई तू? बेटा 30 रुपए निकाले, मैम को नहीं देने थे। मैं तो बीड़ी का बंडल लेकर आया हूँ, हम दोनों बीड़ी पियेंगे, तुझे ना देगा अपनी टेस्ट करा। गुड मॉर्निंग बच्चों। वो मैडम आज आप हमें पिकनिक पर लेकर जा रहे हो ना, इसलिए हम आपको थोड़ा सा मक्खन लगा रहे हैं। और आप हमें वहाँ पे छोले भटूरे भी तो खिलाओगी? कोई चटूरे भोले नहीं मिलने वाले तुम लोगों को, बैठो नीचे। और हाँ, ये पंकज क्यों नहीं आया? पिकनिक नहीं जाना इसको? आ ले चक मैं आ गया, आ ले चक मैं आ गया। आओ लेट। लेट? मैम आपको कैसे पता? आज मैं बहुत थका हूँ कि आज ही मेरे को लेटने के लिए कह रहे हो। पर मैम मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं काटूंगा, मैं आराम कर लेता हूँ लेट कर। बदतमीज, सीट पे जाके बैठो अपनी। कैसी मैम है, कभी कहती है लेटो कभी कहती है खड़े हो जाओ। बैग उठाओ सीट पे चलो। पता नहीं मैम का दिमाग खराब हो गया आज, आराम भी नहीं करने दे रही। अब उठो जल्दी। बिल्कुल ही नालायक क्लास है। तुम सबको याद है हम पिकनिक पे जा रहे हैं आज? 30-30 रुपए लाए अपने घर से पिकनिक के लिए? चलो थोड़ी देर में जमा करा देना, अभी हम पढ़ाई शुरू करते हैं। कबाड़ी वाले अपनी अपनी बुक्स निकालो जल्दी से। तुम दोनों की बुक्स कहाँ पे हैं? वो मैम हम ना पिकनिक के पैसे घर से लाना भूल गए थे, तो हमने अपनी बुक्स कबाड़ी वाले को बेच दी। बेच दी? 60 रुपए के लिए तुमने अपनी बुक्स बेच दी? अरे नहीं नहीं मैम, बुक्स तो 50 रुपए की थी, 10 रुपए का आपका पर्स भी बेच दिया। हाँ मेरा पर्स भी बेच दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, रुक जाओ। बहुत ही बेकार और नलायक बच्चे हो तुम लोग। चलो पढ़ाई शुरू करेंगे, आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। अरे मैम जो चला गया उसके बारे में क्या पढ़ना क्या पूछना, कुछ प्रेजेंट के बारे में पूछो ना। अच्छा ठीक है, तो इलेक्शन के बारे में सवाल पूछो, जवाब देगा? और क्या मैम, पूछ के देखो, यूं बता देंगे। अच्छा तो जरा ये बता, हु कैन रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? पार्लियामेंट। सही जवाब। आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे मैम यूसी ब्राउजर से। यूसी ब्राउजर? अरे मैम ये देखो, मैम ये देखो, ये है यूसी ब्राउजर एप्लीकेशन। इस पर आपको जो भी इलेक्शन रिलेटेड कंटेंट चाहिए, जैसे कि पिक्चर्स, वीडियोस, जीआईएफएस, वो सब मिलेगा। नॉट जस्ट दिस, न्यूज आर्टिकल्स, अलग अलग पॉलिटिशियंस के ओपिनियंस एंड व्यूज, वो सब भी अवेलेबल है। सो सब कुछ है यूसी ब्राउजर पर। ये तो मस्त है यार, पर ना मेरे पापा और चाचा हमेशा लड़ते रहते हैं इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस, तो इस पर ये भी पता चल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, यूसी ब्राउजर पर ये भी पता चल सकता है थ्रू पोल। वाह यार दिस इज अमेजिंग। वाह बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ये तो, आज ही घर जाके डाउनलोड करूंगी। करना मैम, बहुत बढ़िया है। तो चलो थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, तुम खड़े हो जाओ। तो मुझे ये बताओ कौन से सॉलिड और लिक्विड को मिला के गैस बनती है? मैडम जी बता तो दूंगा, लेकिन मारोगे तो नहीं? नहीं नहीं बताओ बताओ। मैडम जी कड़ी चावल। नीचे बैठ जा पदोड़ा कहीं का। तू खड़ा हो। तू मुझे ये बता महात्मा गांधी कौन थे? मैडम जी महात्मा गांधी वो महान इंसान थे जिन्होंने मुन्ना भाई की गर्लफ्रेंड बनवाने में पूरा पूरा योगदान दिया था। शाबाश, बैठ जा नीचे, ऐसा थप्पड़ मारूंगी बना दूंगी मुन्ना भाई तुझे। और इसको देख लो, सोया पड़ा क्लास में, जगाना जरा इसको करंट देके। उठ गए, खड़े हो जाओ, तुम्हें सोने का बहुत शौक है ना,
सोने की परिभाषा बताओ जल्दी से। किसी के भी गम में कहीं भी खो जाता हूँ, मैं वक्त नहीं देखता कहीं भी सो जाता हूँ। ओ शायर तू तो सो ही जा। नलायक कहीं का, तू खड़ा हो जा। तू मुझे एक ऐसा वाक्य बता जिसमें इंग्लिश हिंदी उर्दू पंजाबी शब्दों का प्रयोग हो। इश्क दी गली विच नो एंट्री। तू भाई इंडिया गेट कितना बड़ा है। हाँ भाई बिल्कुल आसमान छू रहा है। ये तो खली से भी बड़ा है। अबे नहीं, अमिताभ बच्चन से भी बड़ा है। तभी तो ये इंडिया गेट है। चलो पास से देखते हैं। चलो हंसी खुशी आ तो गए इंडिया गेट। देखो तो सही तुम्हारी जनरल नॉलेज की नॉलेज कितनी तेज है। मुझे ये बताओ इंडिया गेट किसने बनाया है? बताओ बताओ। मैडम मजदूरों ने। ओहो, मैंने ये पूछा इंडिया गेट किसने बनवाया है? अरे मैडम ठेकेदार ने। सबके सब नलायक हो, मेरी नाक कटवा दी तुमने, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। अरे मैम तो आप ही बता दो ना किसने बनवाया, हम याद रख लेंगे। मेरी नॉलेज तो बहुत तेज है। अब सुनो, इंडिया गेट आइंस्टाइन ने बनवाया है। मैडम अब हम हमेशा याद रखेंगे कि इंडिया गेट आइंस्टाइन ने बनवाया है। बस बस अब तुम लोग ना सब साथ में ही रहना, ठीक है? वरना खो जाओगे। ओके, कभी मेरी बात मान लिया करो। अरे यार ये मेरे दोस्त भी पता नहीं कहाँ चले गए और मेरा हेलीकॉप्टर भी ले गए, और ये मैडम भी यूं ना साइकिल पे चली जाऊं, मेरी हेलीकॉप्टर पे बैठ के आना है सबको। हेलीकॉप्टर है तुम्हारे पास? अरे हेलीकॉप्टर क्या, मेरे पास तो एरोप्लेन भी है, वो भी चार चार मम्मी की अलमारी में रखे हैं। चार चार? हाँ, पर ये पता नहीं मेरे दोस्त कहाँ चले गए, मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश ना कर दे कहीं। मुझे लग रहा है आज तो मैं यहाँ खो ही जाऊंगा इंडिया गेट पे। तुम भी मतलब? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी नहीं मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों मिलके ढूंढ सकते हैं। एक मिनट, पंकज कहाँ पे है? अरे पंकज मेरा भाई, पंकज 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 है? ढूंढो जाके इधर उधर, जाओ जल्दी। अच्छा हुआ गुम हो गया, क्लास मुझे वैसे ही मारते ही रहता था। सही है ना मिले आज तू। मिला क्या? नहीं यार, तुझे मिला? मिल गया, चल चले। हाँ लड़की के साथ बैठा है। अब तो मैडम से बताऊंगा। सही कह रहा भाई, चल चलते हैं। नहीं 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 भाई, मैडम को मत बताना, तुझे तो पता ही है हमारे स्कूल में कोई लड़की ने पहली बार तो कोई लड़की सेट हुई है भाई, प्लीज मत बताओ। पैसे लगेंगे वो भी पूरे 10 रुपए। और हाँ दिक्कत मतलब तेरे से GST नहीं लेंगे, तुम्हारा भाई है ना। पैसे ले ले, लेकिन भाई मैम को मत बताइए प्लीज। अरे भाई तू दिक्कत मतलब तेरी बात को यहीं पे दबा दिया जाएगा। दबा दे, दबा दिया और सिक्योरिटी पूरी Z+ दी जाएगी। मैम को मत बताइए। हाँ ठीक है, बाय द वे यू आर सो क्यूट। अरे इन पे ध्यान मत दो, और ना पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरी मम्मी हर महीने मुझे 20 रुपए देती है, और आज महीने का पहला दिन है, 10 चले गए तो क्या हुआ, 10 रुपए तो अभी भी बाकी है, आइसक्रीम खाएंगे। क्यों नहीं? मैडम जी पंकज मिल गया। मिल गया, खाएं। मैडम जी हमें तो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है, दूसरे स्कूल की लड़कियों को छेड़ रहा है, अय्याशी कर रहा है मैडम, अय्याशी। और मैंने उसे बोला मैडम तुझे डांटेगी, चल चल। पता है क्या बोलता है, मैं नहीं डरता उस चुड़ैल से। ऐसे बोला वो? चलो मुझे लेके चलो उसके पास। चलो मैडम चलो।
मतलब मेरी बात तो सुन लो, ये तो बस मेरे फूफा के स्कूल के पड़ोस वाले स्कूल के ताई के स्कूल के जो पड़ोस में एक वो गली जा रही है ना उस वाले स्कूल के पीछे जो एक स्कूल है उस वाले स्कूल की छोटी सी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड बनवाओ भी गर्लफ्रेंड यही बनवाने आते ना गर्लफ्रेंड यही। मैडम बात तो सुन लो, इसे तो हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या एडमिशन? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एडमिशन लेने का बहुत सिंपल तरीका है। एडमिशन के लिए तुम्हें बस फीस देनी पड़ेगी, 50,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 40,000 तुम्हारी यूनिफॉर्म के, टोटल होंगे 6,00,000 रुपए। तो तुम कल से स्कूल आ जाना, ठीक है? मैं तो कहती हूँ तुम आज से ही हमारे साथ चलो। चलो चलो। अरे चलो ना मैम, इतना ज्यादा बोल रही है तो चलो 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 चलो। अरे भाई हमारी क्लास में नई लड़की का एडमिशन हुआ है तो डांस तो बनता है ना। तेरा जो बड़ घना कमाल छोरी जाम करेगी चक्का, ओ तेरा जो बड़ घना कमाल छोरी जाम करेगी चक्का। हो अरे आए गए थोड़ा देख तन रह गया हक्का पक्का। हाँ अरे आए गए थोड़ा देख तन रह गया हक्का पक्का। आइसक्रीम छोले भटूरे, आइसक्रीम छोले भटूरे, आइसक्रीम छोले भटूरे। क्या चटूरे भोले आइसक्रीम आइसक्रीम लगा रखा है? घर से खाना नहीं लेके आए हो क्या तुम लोग? नहीं मैम, आज तो हम पिकनिक पे आए तो आज तो बाहर ही खाना खाएंगे। हाँ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है बाहर का नहीं खाना, मैं लंच लेके आई हूँ तुम वो खा लेना, ठीक है? क्या हुआ? आपका लंच तो हमने सुबह ही खा लिया। बदतमीजो, मेरे लंच भी खा गई। मैडम आपने हमसे 30 रुपए भी तो लिए थे पिकनिक के नाम के, अब आइसक्रीम क्यों नहीं खिला रही? हमने भी तो 30 रुपए दिए छोले भटूरे ही खिला दो। जो 30 रुपए तुम लोगों ने दिए थे ना उससे ज्यादा तो किराए में ही खर्च हो गए। तो क्या हो गया, आप अपनी तरफ से खिला दो, हम भी तो तुम्हारे ही बच्चे हैं। और एडमिशन के टाइम पे आपने यही तो कहा था कि आप हमें अपनी बच्चों की तरह रखोगी, कहाँ गई वो वादे? तो बच्चे हो तो स्कूल में हो ना, अभी तो हम बाहर हैं। तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता है? मैं तो नहीं ले रही एडमिशन। अरे बेटा ये लो, ये तो मैं तुम्हारे लिए घर से ही लेके आई थी। तुम भी लो, ये लो तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी है, ये लो तुम्हारे लिए भी और कैमरामैन एक तुम्हारे लिए भी है। अब तो खुश हो ना तुम लोग, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम बट ये इंडिया गेट क्यों बना है? अरे पहले के जमाने में जब बाहर देश से लोग इंडिया आया करते थे तो इसी दरवाजे से आते थे, इसलिए इसको इंडिया गेट कहते हैं। बट मैम मेरी मैम तो कह रही थी एक आदमी इंडिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला था, बट दरवाजा बनाते बनाते उसके सारे पैसे खर्च हो गए तो उसको बीच में छोड़ना पड़ा। तेरी मैम को कुछ नहीं आता, हमारी मैम से सीख, हमारी मैम को सब कुछ आता है। मेरे स्कूल ट्रिक्स, चलो मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। अरे लेकिन एडमिशन, एक तो एडमिशन आया था वो भी हाथ से निकल गया। वाओ कितने अच्छे बच्चे मेरी क्लास के, जहाँ गंदगी दिखी नहीं वहीं सफाई करना चालू हो जाते हैं। और देखो छोटे से पेपर के ऊपर तीनों लड़ रहे हैं कि मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा। वाओ अरे मैडम ये कोई सफाई वफाई नहीं कर रहे, वो लड़की अपना नंबर फेंक कर गई है ना उसके पीछे लड़ रहे हैं तीनों। इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी आज, बदतमीज। Hey guys! तो कैसा लगा आप लोगों को पार्ट 14? लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना। और गाइस हमारे चैनल बकलोल वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, रेड वाला बटन दबा देना। और गाइस यूसी ब्राउजर जरूर डाउनलोड करना क्योंकि इस पे आपको 2019 के इलेक्शन रिलेटेड वोट कार्ड, फनी जीआईएफएस, शॉर्ट वीडियोस और भी बहुत कुछ मिलेगा। और गाइस इस पे इलेक्शन रिलेटेड फन प्रेडिक्शन गेम्स भी हैं, जैसे कि अगला पीएम कौन होगा। और ऐसे सवालों के जवाब देके आप जीत सकते हैं पेटीएम कैश और ऑनर का 8X मोबाइल। और गाइस इस पे आप वर्ल्ड कप से रिलेटेड सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, जैसे कि अगला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो खेलो, एंजॉय करो, इनाम जीतो, अभी डाउनलोड करो यूसी ब्राउजर, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।